मॉर्निंग. सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास. सो लास्ट क्लास में हमने जोन वेंड्रू को किया था और हम रेस्टोरेशन जो ड्रामेटिस्ट थे उनको कर रहे थे. सो नेक्स्ट जो बचे हुए हैं टू और थ्री ड्रामेटिस्ट हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उनका एक या दो वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो उनको कर लेते हैं. फर्स्ट हम लेते हैं जर्मी कोलियर. सो जर्मी कोलियर है, इनका टाइम पीरियड है 1650 टू 1726. तो जर्मी कोलियर है मेनली, यहाँ से एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में अगर जर्मी कोलियर से क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही क्रिटिकल वर्क है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टलिटी इमोर्टलिटी एंड प्रोफेशनेस प्रोफेशनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज. ओके, सो ये इसका क्रिटिकल वर्क है और इसका मेन प्रोज वर्क जर्मी कोलियर का जो 1698 में पब्लिश हुआ था 1698. ओके, तो ये वर्क एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है. जब भी जर्मी कोलियर से क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी वर्क से आता है. जर्मी कोलियर है उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, सिर्फ एक वर्क है जहां से एग्जाम में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है और ये वर्क है. ये क्रिटिकल वर्क है जहां पे जर्मी कोलियर है वो 17th सेंचुरी, मतलब जो रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट है जो प्रोज राइटर है उन पे उनको क्रिटिसाइज किया है उनकी राइटिंग के लिए, उनका सब्जेक्ट मैटर, उनकी जो भी थीम थी उनके लिए इन्होंने मेनली क्रिटिसाइज किया है सभी राइटर को जो रेस्टोरेंट 17th सेंचुरीज के राइटर हैं, ठीक है, ड्रामेटिस्ट हैं. सो इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है उसकी लिस्ट में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि इन किन राइटर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ड्रामेटिस्ट को, ठीक है. तो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो ऑप्शन में 4 क्रिटिक दे रखे थे, 4 राइटर, और इसमें पूछा गया था कि विच वन इज इंक्लूड इन द क्रिटिसिज्म ऑफ जर्मी कोलियर्स और शॉर्टेस्ट व्यू ऑफ द इमोर्टलिटी एंड प्रोफेशनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज, ठीक है. तो यहाँ मेनली जर्मी कोलियर ने जो 17th सेंचुरीज के राइटर और जो ड्रामेटिस्ट है उनको क्रिटिसाइज किया था. व्हाई ही क्रिटिसाइज, बिकॉज ऑफ हिज इमोर्टलिटी एंड ऑब्सिनिटी ऑन द स्टेज. उनके ड्रामा में जो इमोर्टलिटी होती थी, जो ऑब्सिनिटी दिखाई जाती थी, क्योंकि 17th सेंचुरीज के मोस्टली ड्रामाज होते हैं उनकी थीम, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सब होता था जिसमें बहुत ज्यादा इमोरलिटी दिखाई गई है, ठीक है. तो इससे जर्मी कोलियर ने बोला कि लोग जो जो लोग हैं मतलब और जो सोसाइटी में लोग हैं उन पे इनका गलत इफेक्ट हो रहा है, ठीक है. इमोरलिटी लोग सीख रहे हैं इनसे, जो ऑब्सिनिटी जो दिखाई जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल या सेक्सुअल रिलेशनशिप की, तो इनसे लोगों के जो माइंड है इस पे गलत इफेक्ट हो रहा है, ठीक है. तो मेनली यहाँ जर्मी कोलियर ने जिनको टारगेट किया है कि किन किन राइटर्स को या किन किन ड्रामेटिस्ट को क्रिटिसाइज किया है, वो फर्स्ट है जॉन ड्राइडन. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया था. जॉन ड्राइडन है और विलियम विसरले. विलियम विचरले और विलियम कॉन्ग्रीव. जॉन वेंड्रू एंड जोफ्री. जॉन वेंड्रू एंड लास्ट विलियम डी. लास्ट वन और जस्ट 1 मिनट, वन और ड्रामेटिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन वेंड्रू, विलियम कॉन्ग्रीव, थॉमस डी उल्फ्रे. लास्ट वन थॉमस डी और उल्फ्रे, उल्फे. ओके, सो ये मेनली जो ड्रामेटिस्ट है रेस्टोरेशन एज के जिन्होंने विलियम जो जर्मी कोलियर है इसने क्रिटिसाइज किया है ड्यू टू द ऑब्सिनिटी, ड्यू टू द इमोरलिटी इन देयर ड्रामाज. ओके, सो जो ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे इनके जितने भी ड्रामा है उनमें बहुत ज्यादा इमोरलिटी
ऑब्सिनिटी वल्गरिटी दिखाया जाता था, जिसके कारण जर्मी कोलियर ने इन ड्रामेटिस को क्रिटिसाइज किया स्पेशली अपने इस वर्क में। सो एग्जाम में रिपीटेडली इसी को सबसे पहले इसका टाइटल पूछा जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें पूछा जाता है कि विच वन राइटर या ड्रामेटिस इज इंक्लूड जिनको जर्मी कोलियर ने क्रिटिसाइज किया है, तो मेरे लिए आपको ध्यान में रखना है इनमें जितने भी ये जो ड्रामेटिस्ट हैं जिनको क्रिटिसाइज किया है, तो इसमें जोन ड्राइडन ओनली ऐसे ड्रामेटिस्ट थे, ऐसे ड्रामेटिस्ट जिन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया कि ही विल नॉट राइट सच काइंड ऑफ ड्रामा अगेन। ओके, उसने बोला कि ऐसा ड्रामा इसके क्रिटिसाइज करने के बाद कि ऐसे ड्रामा वो फिर कभी नहीं लिखेगा, सिर्फ जोन ड्राइडन ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यही था जर्मी कोलियर का, ज्यादा लेंथी वर्क नहीं है ना कोई अदर वर्क है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो मेजर ड्रामेटिस्ट थे रेस्टोरेशन एज के उन सबको हमने वन बाय वन करके कर लिया है। अभी माइनर जो ड्रामेटिस्ट बचे हुए हैं उनका एक एक या दो दो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, लेकिन उनके ज्यादा वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एक एक दो दो वर्क बचते हैं जिनको हम यहाँ करेंगे अब, ठीक है। सो दैट्स ऑल।